किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम देखेंगे सोयाबीन और मूंगफली की फसल में जो सकड़ी और चौड़ी पत्ती के खरपतवार आते हैं उसको कैसे नियंत्रण के लिए क्या दवाइयां है एग्रोस्टार ने लाए हैं आपके लिए दो प्रोडक्ट, जिसमें पहले का नाम है क्विज मास्टर। ये क्विज मास्टर के अंदर है क्विजाल्फोपिथाइल 5% इसी फॉर्मुलेशन में। तो ये दवाई जो है वो सकड़ी पत्ती के खरपतवार कंट्रोल करती है। तो इसको आपको इस बीकर के अंदर लेना है 300 ml प्रति एकड़ के दर से, और अभी जो है वो ये घोल तैयार हो चुका है। और जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि चौड़ी पत्ती के खरपतवारों का जो भी प्रश्न ज़्यादातर होता है, तो उसके लिए किसान भाइयों आपको ये है पैराशूटीजी। ये जो है वो ज़्यादातर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और कहीं जो है वो ग्रासिस या फिर सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार है उसको कंट्रोल करता है। तो इसके अंदर 3 दवाई आती है। तो सबसे पहले उसके अंदर आता है ये पैराशूट इजी, जो 50 ग्राम का एक छोटा सा बॉक्स होता है और उसके अंदर जो कंटेन है इमेजाथाइपर 70% WG फॉर्मुलेशन। तो हमने एक दूसरी बाल्टी जो 10 लीटर पानी की ले रखी है उसके अंदर भी हमने पानी भर रखा है 10 लीटर। तो ये जो 50 ग्राम पैराशूट इजी है उसको इसके अंदर डालना है और उसके बाद 2 से 3 मिनट तक जो है वो लकड़ी से हिलाना है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो सेव जैसा जो है वो दवाई होती है। उसके बाद एक दूसरा आता है इस बॉक्स के अंदर पेरीबूस्ट, मतलब कि अमोनियम सल्फेट, जो 300 ग्राम आता है। इसको भी जो है वो 10 लीटर के घोल के अंदर डालना है। ये क्या करता है, जो दवाई है उसकी इफ़िशंसी बढ़ाता है और जो खरपतवार है उसके ऊपर लंबे समय का और प्रभावी रूप से परिणाम देता है। और तीसरा आता है इसके अंदर पेरी स्प्रेड, यानी कि चिपको या गोंद जो हम देसी भाषा में बोलते हैं, या फिर कोई किसान भाई जो स्टिकर भी बोलते हैं, ये 225 ml आता है। ये जो है फिर इस 10 लीटर के पानी में डालना है। अभी तीनों दवाइयों को बारी बारी हमने डाला है और लकड़ी के 2 से 3 मिनट हिलाना है। तो किसान भाइयों, जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा, तो ये बन गया है क्विज मास्टर का 10 लीटर का घोल और ये बन गया है पैराशूट इजी का 10 लीटर का घोल। अभी हम क्या करेंगे, ये जो है पंप है 15 लीटर का, इस 15 लीटर की टंकी के अंदर हम जो है सबसे पहले 1 लीटर जो है वो क्विज मास्टर वाला सॉल्यूशन डालेंगे और उसके बाद जो है 1 लीटर का पैराशूट इजी का सॉल्यूशन डालेंगे। ये 15 लीटर की टंकी में अभी 2 लीटर दवाइयों का घोल है और फिर 13 लीटर पानी मिला के ये 15 लीटर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह हम बारी बारी जो है वो 10 टंकी भरेंगे और 1 एकड़ के अंदर जो है ये 10 टंकी का छिड़काव करेंगे। तो सोयाबीन के अंदर जो भी सकड़ी और चौड़ी पत्ती के खरपतवार है उसका नियंत्रण मिलेगा और आपकी जो सोयाबीन की फसल है वो दमदार और ज़बरदस्त वृद्धि विकास वाली मिलेगी। बट किसान भाइयों, 2-3 चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। जब आपकी सोयाबीन जो है वो 25 से 40 दिनों की हो तभी इसका जो छिड़काव करना है, और जो खरपतवार है वो 2 से 4 पत्ती की अवस्था पे हो तभी इसका प्रयोग करना है। और जब भी आप दवाई का छिड़काव करते हो तो खेत के अंदर नमी होना बहुत आवश्यक है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रख लिया और ऐसे घोल बना के प्रयोग किया तो आपको किसान भाइयों इस दोनों फसलों के अंदर बहुत अच्छे से परिणाम मिलेगा और आपकी फसल जो है वो एकदम हरापन रहेगा, लहराएगी। खरीदी के लिए एग्रोस्टार की लाल दुकान पर जाएं या एग्रोस्टार ऐप से खरीदें या कॉल करें 950-30-950-30 पर।